एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल विद सिमर। सो आई एम बैक विद अनदर परफ्यूम रिव्यू, एंड आज मैं आपके साथ जिस परफ्यूम का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ वो है वेनेसा एनवी नेचुरल स्प्रे परफ्यूम। सो इस परफ्यूम का रिव्यू मैं बहुत टाइम से देने के लिए ट्राई कर रही थी, बट मैं थोड़ा सा और टाइम देना चाह रही थी इसको टेस्ट करने के लिए। सो अभी 4-5 महीने इसको कंटिन्यूसली यूज़ करने के बाद में मेरी टेस्टिंग कंप्लीट हुई है। सो आज मैं आपके साथ अपना ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। सो अगर आप भी ये परफ्यूम लेने के बारे में सोच रहे हैं तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं परफ्यूम की पैकेजिंग की। सो इस परफ्यूम की आउटर पैकेजिंग एक कार्डबोर्ड पैकेजिंग है, जिसके बैक साइड पे इसके इंग्रेडिएंट्स, एमआरपी एंड एक्सपायरी डेट मेंशन है। एंड इसके अलावा इसके आउटर पैकेजिंग पे कहीं पे भी इस परफ्यूम के नोट्स मेंशन नहीं है। एंड इनर पैकेजिंग की मैं बात करूँ, सो इसकी जो इनर पैकेजिंग है, इस टाइप की ग्लास बॉटल आपको मिलेगी। एंड इसका जो कैप है वो प्लास्टिक का कैप है। एंड ये परफ्यूम आपको इस टाइप से स्प्रे फॉर्म में आपको मिल जाएगा। सो ये है इसकी ओवरऑल पैकेजिंग। एंड अब बात करते हैं इस परफ्यूम की क्वांटिटी एंड एमआरपी की। सो ये आपको 30 ml का प्रोडक्ट मिलेगा, जिसकी एमआरपी है 175 rupees, बट ऑनलाइन ये आपको हमेशा 145-130 rupees में आराम से मिलेगा। इनफैक्ट जब मैंने इसे लिया था उस टाइम पे फ्लिपकार्ट पे कुछ सेल चल रही थी, एंड तब मुझे ये 99 means 100 rupees में मुझे ये मिल गया था। सो 30 ml के लिए जो प्राइस आप पे कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है, एंड मैं बोलूँगी बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। एंड बात करें इसकी शेल्फ लाइफ की, तो ये 2 years इसकी शेल्फ लाइफ है, तो 2 साल आराम से चलेगा। सो अब आते हैं वीडियो के मेन पार्ट पे, इसकी फ्रेग्रेंस कैसी है। सो जब मैंने इसे फर्स्ट टाइम परचेज किया तो मेरे माइंड में सिर्फ एक ही थॉट था कि ये इतना ज़्यादा अफोर्डेबल है तो इसकी फ्रेग्रेंस चीप होगी। लेकिन जब मैंने इसे फर्स्ट टाइम यूज़ किया, सो मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी, इसकी फ्रेग्रेंस बिल्कुल भी चीप नहीं है, काफ़ी ज़्यादा डिसेंट सा स्मेल करता है। ऐसा नहीं है कि आपको इतना सस्ता परफ्यूम मिल रहा है एंड इसकी फ्रेग्रेंस इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आपको हेडेक हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो अब बारी आती है इस परफ्यूम के फ्रेग्रेंस टेस्ट की। सो अगर मैं इसको अपने रिस्ट पे स्प्रे करूँ तो इसकी जो फ्रेग्रेंस है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड बहुत ही ज़्यादा माइल्ड इसकी फ्रेग्रेंस है। बट आप इसको जैसे ही फर्स्ट टाइम आप इसको स्प्रे करेंगे तब आपको लग सकता है कि थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, बट ये वैसी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आपको हेडेक दे। जब आप इसको स्प्रे करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लोरल फ्रेग्रेंस इसकी लगेगी, लेकिन जैसे ही फ्रेग्रेंस थोड़ी सी सेटल डाउन होती है तो इसकी जो स्ट्रॉन्गनेस है वो भी थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है, एंड काफ़ी ज़्यादा डिसेंट एंड सॉफ्ट एंड नाइस स्मेलिंग परफ्यूम ही आपको लगता है। एंड यहाँ पे इसके नोट्स कहीं भी मेंशन नहीं है, बट फिर भी अगर मैं आपको बताऊँ कि इसके नोट्स क्या हैं, सो एक कम्प्लीटली फ्लोरल फ्रेग्रेंस है, एंड फ्लावर्स में भी अगर हम बात करें तो रोज़ी फ्रेग्रेंस है, एंड काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट एंड माइल्ड रोज़ की इसकी फ्रेग्रेंस आती है। तो ये परफ्यूम वेमेन के लिए है, सो आप इसे अपने ऑफिस में, कॉलेज में, इनफैक्ट आप इसे अपने स्कूल में भी लगा सकते हैं। बट इसकी जो फ्रेग्रेंस है अच्छी है, माइल्ड है, सॉफ्ट है, डिसेंट है, बट कुछ भी यूनिक नहीं है। आप ये परफ्यूम लगाएंगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कुछ बहुत ही यूनिक लगाया है। सो अगर आप एकदम यूनिक फ्रेग्रेंस देख रहे हैं अपने लिए, सो ये परफ्यूम आपको नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको रोजेस की फ्रेग्रेंस पसंद है एंड आपको फ्लोरल फ्रेग्रेंस पसंद है तो ये आपको डेफिनेटली ले लेना चाहिए, क्योंकि इतने कम प्राइस पॉइंट में ये परफ्यूम आपको नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं इस परफ्यूम की लास्टिंग पावर की। सो ये परफ्यूम सिर्फ और सिर्फ 2-3 घंटे ही आपकी बॉडी पे एंड आपके कपड़ों पे रहता है। इसको लेने से पहले जब मैंने कुछ रिव्यूज़ देखे थे तो उसमें लोग बोल रहे थे कि परफ्यूम काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, बट मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा। मैं पिछले 4 महीने से तो इसको कंटिन्यूसली यूज़ कर रही हूँ, एंड ये परफ्यूम मेरे पास लास्ट 6-7 months से है, बट मैं इसको जब भी लगा कर निकलती हूँ तो जब मैं इसको लगाती हूँ 1-2 घंटे तक तो काफ़ी अच्छी सी इसकी स्मेल आती है, एंड उसके बाद में कम्प्लीटली फेड हो जाता है, एंड मुझे इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही कम भीनी से सिर्फ मेरे कपड़ों में से आती है। सो ये उतना ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, एंड ये भी ऑल सीज़न परफ्यूम है। आप इसे समर्स में, विंटर्स में, रेनी सीज़न में कभी भी लगाइए, आपको अच्छा ही लगेगा। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे आप इसको स्प्रे करेंगे तो आपको एकदम से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लोरल नोट्स इसके फील होंगे। तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी में आप इसे एकदम से लगाना पसंद ना करें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग फ्रेग्रेंस नहीं है। एंड मैं तो आपको यही बोलूँगी कि अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे सेल प्राइस में बिल्कुल ट्राई कर लीजिए, आपको रिग्रेट तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि एक बुरा परफ्यूम नहीं है। अदरवाइज़ सारी चीज़ें बहुत अच्छी है, एंड स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहती हैं, सो वो ये परफ्यूम ले सकती हैं, एंड एक गिफ्टिंग ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो अब बात करते हैं इस परफ्यूम
परफ्यूम के पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स की। सो पॉजिटिव पॉइंट इसके यही है कि अफोर्डेबल है, ट्रेवल फ्रेंडली है, पैकेजिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इसकी, एंड फ्रेग्रेंस भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट एंड माइल्ड है, आपको हेडेक भी नहीं देती है। एंड नेगेटिव पॉइंट्स की बात करूँ तो ये बिल्कुल भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, सिर्फ 2 to 3 hours से लास्ट करता है। सो ओवरऑल अगर मुझे इस परफ्यूम को रेट करना हो सो मैं इसे रेट करूँगी 3 out of 5। एंड ये परफ्यूम अवेलेबल है फ्लिपकार्ट, नायका, अमेजोन, पर्पल पे, एंड ऑफलाइन भी आई थिंक स्टोर्स में भी अवेलेबल होगा, बट मुझे अभी तक किसी भी स्टोर में दिखा नहीं। सो आप इसे ऑनलाइन ही बाय कर सकते हैं। सो ये था इस परफ्यूम का मेरा रिव्यू। सो अगर आपको ये वीडियो एंड रिव्यू अच्छा लगा हो एंड हेल्पफुल लगा हो सो मेक श्योर आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए आप नेक्स्ट किस परफ्यूम का रिव्यू देखना चाहते हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।